बहुत खूबसूरत मस्जिद है, इसका नज़ारा हम करते हैं, आपको दिखाते हैं। लावट जामा मस्जिद, ये मार्केट पुलिस स्टेशन हैदराबाद के बिल्कुल साथ है। ये देखिए लावट है जामा मस्जिद, बहुत खूबसूरत बनाई हुई है इन्होंने। ये देखिए बड़े अंदाज के इन्होंने यहाँ पे देसी अंदाज के रखे हुए हैं इन्होंने, मिट्टी के कूलर। करीब पानी व खादम मिला सलावट जमात बाकी मैदान, ये सारी हिंदी भी लिखी हुई है। जी अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, क्या हाल है, खैरियत से? ये कितनी पुरानी मस्जिद है माशाल्लाह? 165 साल हो गए। 165 साल पुरानी है? अच्छा, लिखा हुआ है अंदर। वाह वाह वाह। तो ये किसने बनवाई थी? सलावट जमात ने। सलावट क्या है, कौम का नाम है? ये कौम नहीं, कौम का नाम है, मगर पत्थर का काम करने वाले थे ना। अच्छा, सिल पट्टे का काम करते थे तो उसको पत्थर को। अच्छा, तो ये वो काम करते थे, यानी वो खुद काम करते थे तो उन्होंने बनवाई है ये। ये देखिए इसका लिखा हुआ है कि कब ये तामीर की गई है। बहुत खूबसूरत काम है, हम करीब से आपको फिर दिखाते हैं। पत्थर के ऊपर बड़ा अच्छा काम है, सलावट जामा मस्जिद। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद याह्या सलावट साहब, ये मस्जिद का तारफ कराएं, बड़ी तारीखी मस्जिद है आपकी। ये सलावट जामा मस्जिद है। हाँ जी, ये माशाल्लाह हमारे बड़ों का काम किया हुआ है, पत्थर का, हाथ का किया हुआ काम है ये, हाथ का काम किया हुआ है। ये मीनार जो है ये कितना पुराना है? ये इसे 55-60 साल हुए हैं इनको। अच्छा। यानी कि 200 साल हुए हैं। अच्छा, खालिश पत्थर का, पीले पत्थर का किया हुआ है। सही है, इसकी सफाई और इसकी वजह से जो हमने कलर वगैरह करवा लिया है। ठीक है, ठीक है। तो बाकी मस्जिद ओवरऑल कितनी पुरानी है? 200 साल ये पुरानी मस्जिद है, हमारा मोहल्ला भी। अच्छा। हम माशाल्लाह जोधपुर जैसलमेर से, हम वहाँ से चले जोधपुर, जो राजस्थान में, इंडिया राजस्थान में। अच्छा। हम पहले गए सक्खर में, हमारा मोहल्ला है नीम की चाड़ी। अच्छा, फिर माशाल्लाह हैदराबाद से कराची। तो आपका, आपके बड़ों का ये पत्थर का काम, हाथ का ये खानदानी काम है? हाँ, खानदानी काम करो। सही है माशाल्लाह। चलें जी, नमाज का वक्त हो गया, फिर देखते हैं आपका। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हैदराबाद में दूसरे ब्लॉग के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान होस्ट उमेर मिहार। तो आज हम मौजूद हैं यहाँ पे सलावट मस्जिद के करीब, ये मार्केट थाने के बिल्कुल साथ है। तो यहाँ पे हमने आपको मस्जिद का भी नज़ारा कराएंगे, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। और यहाँ पे बहुत खूबसूरत और जो हैं खूबसूरत टिक्कियाँ बनती हैं, इसका भी नज़ारा कराते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? खैर, क्या नाम आपका? नबील। नबील, आप क्या क्या लगाते हैं, ज़रा बताएं हमें, तारुफ कराएं। ये भजन बकरे के गुर्दे हैं। अच्छा। बकरे का बगस है। अच्छा, बड़े को पसंद है। अच्छा, और कीमा है, बड़े का कीमा भी लगाते हैं। सही है। चिकन के, ये चिकन के, दाल के कबाब। और ये क्या है? आलू के कबाब हैं, ये दाल के कबाब हैं। सही सही। और ये चटनी कौन सी बनी हुई? ये आलू बहारे की है, टमाटर, पुदीना, हरी मिर्च। अच्छा, ये सलावट मस्जिद जो है जी, नबील भाई ये मस्जिद के बारे में बताएं, ये किसने बनवाई थी? ये सर जी, ये हमारे जो पुराने थे पहले के राजस्थानी लोग थे। अच्छा, उन लोगों ने बनवाई थी। तो आपका पूरा नाम क्या, आपका खानदान कहाँ से आया था पाकिस्तान बनने से पहले? हमारा खानदान इंडिया से, राजस्थान से। ये मस्जिद का नाम है सलावट, ये किस बारे से? सर ये सलावट जिनसे पूरा मोहल्ला ही हमारा। अच्छा, मोहल्ले का नाम, मोहल्ले के नाम से। सही, हमारी सही। तो ये आपका काम किसने शुरू किया था माशाल्लाह? हमारे दादाजी ने। ये उसी तरह ऐसे आपके दादा के ज़माने से आप ठेले लगाते हैं? चले माशाल्लाह जी, क्या क्या बन रहा है हमें दिखाएं ज़रा। शैलो फ्राई करते हैं भाई, हल्का फुल्का फ्राई करते हैं इसके, फ्राई करना पड़ता है, तैयार होता है। अच्छा, बाकी आप घर से बना के लाते हैं? सब घर से मेर करके लाते हम। अच्छा, 200 ना। लाहौर में बंदे ने जैसे टका टका, ये उसके साथ मिलता जुलता कुछ चीज़ है ना, मगर और गुर्दे के साथ। ये देखें, और ये इनका अंदाज देखें कितना खूबसूरत है, कि इन्होंने छोटी छोटी अंगीठियाँ रखी हुई हैं। मैं आपको अंगीठी करीब से दिखाता हूँ, ये देखें, ये अंगीठी के अंदर कोयले लगाते हैं ना आप, कोयले के अंदर बनती है, और अंगीठियों में इस चीज़ का अपना जायका जो है वो निकलता है। यहाँ फ्राई करके घर से ले जाते हैं, बाकी यहाँ पे फ्राई करते हैं। ये देखें बहुत सुपर, ये देखें, ये प्लेट भी तैयार कर ली इन्होंने। वाह वाह वाह, दिखाएं जरा, ये रोशनी भी लगे आगे करें। ये देखें, वाह वाह, बहुत सुपर जी। क्यों नबील भाई, ये लोग यहाँ भी खाना पसंद करते हैं और पैक भी कराते हैं। अच्छा, साथ में आप क्या देते हैं, रोटी या नान होता है? चपाती देते हैं। दिखाएं जरा, चपाती भी दिखाएं अपनी।
वाह वाह जी, ये चपाती भी आपकी वो तवे वाली है। वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत। ये देखिए ये चपाती इनकी, इस चपाती के साथ ये टिक्कियाँ आलू वाली, दाल वाली और ये कबाब जो है वो अपने ग्राहक को देते हैं। ये बहुत खूबसूरत, बड़ा देसी और बड़ा रवायती सा अंदाज है इनका। इनके दादा ने काम शुरू किया था, राजस्थानी स्टाइल है। इनकी फैमिली राजस्थान से आई थी इनका बताना है। तो यहाँ पे ये जो सलावट मस्जिद है उसके बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं, मार्केट पुलिस स्टेशन के सामने। तो इनकी चीज़ें जो हैं वो बहुत मज़ेदार लग रही देखने में। तो अभी हम आपको टेस्ट करके बताते हैं। मगज और गुर्दा तैयार है और ये तवे वाली रोटी है माशाल्लाह बड़ी प्यारी। और ये क्या जी? ये वो कटरस के इलाके हैं, हाँ चाप के जाम। हाँ और ये देखेंगे आलू की टिकिया, आलू की टिकिया भी आ गई है। और ये चिकन का कबाब छोटा, चिकन का कबाब ये बहुत समाल था माशाल्लाह। इसे शुरू करते हैं माशाल्लाह। इधर आए, कहते हैं खूबसूरत छोटा सा कबाब है, बहुत टेस्टी माशाल्लाह। अब इनकी मेन डिश है ये देखें, ये ट्राई करते हैं हम। ये मगज और कुर्ता, मगज और कुर्ता बकरे का, ये करीब से दिखाएं इधर। ये देखें ये अंगीठी पे बना हुआ कोयले के ऊपर। बस 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 ठीक है, सही है माशाल्लाह जी, बहुत मज़ेदार। ये भी देखें ये बड़ा खूबसूरत मज़ेदार। अजब क्या नाम है? चाप है, चाप है, बहुत मजे की बनी हुई है भी टमाटर के साथ। आपकी कटलस कहलाती है, चाप की कटलस, जिस तरह की आप खाते ना शनिवारी कढ़ाई, बस उसी तरह का स्टाइल है। टमाटरों के अंदर बनी हुई है हरी मिर्च के साथ, बहुत मजा है। अब आ जाइए, ये देखें आलू की टिक्की, आलू की टिक्की क्या कर सकते हैं आप। ये देखें मटर वाली चटनी जो है उसके साथ लगा के हम आपको खिलाएंगे। ओके जी, बहुत मजा आया। ये कबाब हम दोबारा दिखाते हैं आपको, ये देखिए बहुत खूबसूरत। सारी चीज़ें आपको मिलेगी। ये बैग में जो है बड़ा ठेला लगा हुआ है, 60 साल पुराना चाचा गुरफाम का ये ठेला है, हैदराबाद के अंदर मार्केट पुलिस स्टेशन के साथ। सलावट जामा मस्जिद के बिल्कुल सामने। ये राजस्थानी स्टाइल आपको यहाँ पे हैदराबाद में मिलेगा। तो आप जब भी हैदराबाद आएँ सलावट मस्जिद के सामने इस ठेले के ऊपर बनने वाली चीज़ों को ट्राई करें। तो आज मेरा ये दूसरा ब्लॉग है हैदराबाद के अंदर, मेन आपको पसंद आ रही होगी हैदराबाद की। तो आज का ये दूसरा छोटा सा ब्लॉग, इसमें हमने खूबसूरत मस्जिद दिखाई है आपको और ये ठेले पे बनने वाली खूबसूरत मजेदार चीज़ें आपको दिखाई और उसका टेस्ट भी खिलाया। इस तरह मेरी वीडियो को देखते रहें, लाइक करें और शेयर करें। मैं मेरा आपको दी इजाज़त अगले ब्लॉग में, वो भी हैदराबाद के मतलब ही होगा। मेरे साथ रहिएगा, मुझे दी इजाज़त। खुदा हाफिज़।